ये जो अल्लाह का लफ्ज है इसके लिए एक रिसर्च जो है वो कुछ साल पहले तकरीबन शायद 2007 में एक रिसर्च सामने आई थी टाइम मैगजीन में. उन्होंने बताया था कि जो अल्लाह का लफ्ज है इसके अंदर हीलिंग पावर मौजूद है, अल्लाह के लफ्ज के अंदर. नीदरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे वेंडर हुवन, उन्होंने रिसर्च की थी अल्लाह के लफ्ज पर और कुरान की तिलावत पर. नॉन मुस्लिम थे और साइकाइट्रिस्ट थे और ये कहते हैं कि मैंने 3 साल तक अपने मुख्तलिफ पेशेंट्स को अल्लाह का लफ्ज बोलना सिखाया और मैंने सिर्फ उनको कुरान की तिलावत सुनाई. और कहते हैं कुछ उसमें से नॉन मुस्लिम थे, कुछ उसमें से ऐसे मुसलमान थे जिनको अरबी बोलनी नहीं आती थी तो उनको अल्लाह प्रोनाउंस भी करना सही तरह से नहीं आता था. इन्होंने अल्लाह सही तरह से प्रोनाउंस करना सिखाया और कहते हैं कि इनके जो पेशेंट थे साइकोलॉजिस्ट थे ना, तो इनके जो टेंशन के और जो इनके डिडक्शन के पेशेंट्स थे उनको कहते हैं बहुत तेजी से रिकवरी मिली जब रेगुलर मैंने उनको कुरान की तिलावत और अल्लाह का लफ्ज बोलना सिखाया. इसलिए कि जब आप अल्लाह का लफ्ज बोलते हैं तो ये आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम और आपके एस्पायरेशन पर इम्पैक्ट करता है. आप सोच समझ कर बोले ना अल्लाह, जब अल्लाह का लफ्ज बोला जाता है अगर अल्लाह के लफ्ज से पहले आप जबर या पेश लगाते हैं तो आपको मालूम होगा कि उसको मोटा पड़ता है. अगर अल्लाह के लफ्ज से पहले किसी लेटर पर जेर आती है जैसे बिस्मिल्लाह में आती है तो बिस्मिल्लाह में तो हम अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह. मिसाल के तौर पर आप कहेंगी अल्लाह से पहले एक लेटर आ रहा है बा और उसके ऊपर पेश है, बा को उर्दू में क्या कहते हैं बे, अरबी में क्या कहते हैं बा, बा के ऊपर पेश है और इसके बाद अल्लाह का लफ्ज आ रहा है तो आप क्या पढ़ेंगी, आप पढ़ेंगी किताबुल्लाह. ये जब आपने अल्लाह का लफ्ज मोटा प्रोनाउंस किया ये आपके एस्पायरेशन और आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम को और आपके ब्रीदिंग को और आपके इनहेल और एक्सहेल को इम्पैक्ट करता है. सोच समझ के बोले. जब आप तस्बीह करें तो तस्बीह में दाने गिराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं 1000 दफा सुभान अल्लाह कहूंगी तो ही अल्लाह पर प्रेशर आएगा मेरी दुआ कबूल करने का. आप एक दफा कहें सुभान अल्लाह, एक दफा कहिए आपके दिल से आवाज आएगी, एक दफा कहिए अल्लाहु अकबर, एक मरतबा कहिए, एक मरतबा कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दिल की गहराई से कहिए, समझ कर कहिए. ये जो आपने दिल की गहराई से समझ कर कहा ये इंशाल्लाह आपको अल्लाह से जोड़ देगा. आप एक दफा कहती है सुभान अल्लाह, क्या मतलब है सुभान अल्लाह का मतलब क्या होता है, हाँ बस पाक है बच्चे बता, बच्चे आपसे सवाल करेंगे तो अल्लाह तो है ही पाक, क्या मतलब सुभान अल्लाह अल्लाह पाक है क्या मतलब. अल्लाह हर हाजत से हर कमजोरी से हर वीकनेस से अल्लाह पाक है. अल्लाह मुझे उस वक्त भी देख रहा होता है जब मैं अल्लाह से गाफिल होती हूँ, अल्लाह मुझे उस वक्त भी देख रहा होता है जब मैं खौफ से अल्लाह के आंसू बहा रही होती हूँ, अल्लाह मुझे उस वक्त भी देख रहा होता है जब मैं दुनिया में मगन होती हूँ, अल्लाह मुझे उस वक्त भी देख रहा होता है जब दुनिया वाले मेरे साथ कोई जुल्म करते हैं और मैं रो रही होती हूँ, अल्लाह मुझे उस वक्त भी देख रहा होता है जब मैं खुशी से आपे से बाहर हो रही होती हूँ, अल्लाह मुझे उस वक्त भी देख रहा होता है जब मैं किसी जरूरत के लिए परेशान बैठी होती हूँ. ये है सुभान अल्लाह का मफहूम. सोच समझ कर बोले, सोच समझ कर पढ़े. इस रमजान हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने आप को अल्लाह के कलाम के साथ ऐसे जोड़ें कि हम क्वांटिटी बेस नहीं क्वालिटी बेस अपना अमल बनाएं. जो एक दफा नेकी अपना लें उसको जिंदगी से अलग ना करें. और नेकी के लिए याद रखें जब दिल में नेकी का इरादा आए डिले मत करें. जैसे इंसाफ के लिए कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसी तरह हिदायत के लिए कहते हैं हिदायत डिलेड इज हिदायत डिनाइड. हिदायत आपके दिल के दरवाजे पर बार बार नॉक नहीं करती. हिदायत के लिए स्कॉलर्स कहते हैं हिदायत बहुत गैरतमंद मेहमान होती है. एक दफा दरवाजा खटखटाती है आप नहीं खोलते, दूसरी दफा दरवाजा खटखटाती है आप नहीं खोलते, तीसरी दफा मुड़कर चली जाती है और फिर नहीं आती. अल्लाह ना करे कि हमारी जिंदगियों में ये मामला आए कि आप और मैं हिदायत से बिल्कुल दूर हो जाएं. अल्लाह हमें अपनी पहचान ऐसे करा दे कि हम अपनी जिंदगी के हर अमल में अल्लाह को याद रखें. अल्लाह हमें जब हमारा गुनाहों में पांव फिसल रहा हो अल्लाह हमें उस वक्त अपनी मारिफत का दोबारा से एहसास दिला दे ताकि हम पलट सकें. अल्लाह हमारी औलादों को अपने से मोहब्बत करना सिखा दे. अल्लाह हमारी औलादों को इस दीन को संभालने वाला बना दे. अल्लाह ताला हमारे दिल को अमल के लिए खोल दे.
अल्लाह ताला हमारे लिए इस दीन का इल्म हासिल करना आसान बना दे।